सबरेडिट को तुम एक व्हाट्सएप ग्रुप की तरह समझ सकते हो, जहाँ पर स्पेसिफिक सिमिलर इंटरेस्ट रखने वाले लोग उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आपस में डिस्कशन करते हैं। कई आर्टिकल्स के हिसाब से तो सिर्फ 2018 तक 130,000 एक्टिव सबरेडिट्स रेडिट पर प्रेजेंट थे, जो कि आई एम प्रीटी श्योर अब तक तो काफी ज्यादा हो चुके होंगे। सो बेसिकली सिचुएशन यह है कि इस पॉइंट पे हर एक वियर्ड चीज जो तुम सोच सकते हो उसके बारे में चांसेस ये हैं कि तुम्हें एक सबरेडिट बना हुआ मिल जाएगा। It's a story that's quickly going viral on Reddit. This person later posted the video of what happened to Reddit. The slogan was captured in a picture and posted on Reddit. 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 During a Reddit AMA today. Because this happened on Reddit today. इतने सालों में कई ऐसे सबरेडिट्स हुए हैं जो कि इतने कंट्रोवर्शियल हो गए थे, उनमें होने वाले डिस्कशन इतने गलत डायरेक्शन में एस्केलेट हो गए थे कि उनको बैन करना पड़ा। एंड इन दिस वीडियो हम कुछ ऐसे ही सबरेडिट्स के बारे में बात करेंगे, स्टार्टिंग विद नंबर 1। इंटरनेट के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो बहुत जल्दी कंक्लूजन पे जंप कर जाती है। ऑब्वियसली इंटरनेट से मेरा मतलब हम ही लोगों से है। कई बार लोग किसी मिस्टीरियस डिजास्ट्रस डिस्टर्बिंग इंसिडेंट के होने पर उसके लिए सब रेडिट बना देते हैं और एक बिछंड शुरू हो जाता है उसको सॉल्व करने के लिए, और तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि लोग किस एक्सटेंट तक चले जाते हैं इनको सॉल्व करने के लिए, इनको क्रैक करने के लिए। नाउ डोंट गेट अ नेगेटिव आइडिया, कई बार लोग इस बिछंड में सक्सेसफुल भी होते हैं एंड कई अच्छे एग्जांपल्स भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये वो केस नहीं था। 15th April 2013 को बॉस्टन मैराथन में फिनिश लाइन के पास दो भाइयों ने दो प्रेशर कुकर बॉम्ब ब्लास्ट करके एक बहुत बड़े लेवल का डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया। सच में इट वाज सो ह्यूज कि 264 लोग इंजर हुए और 3 लोग मारे गए। एंड ब्लास्ट के बाद का जो सिनेरियो था वो ऑब्वियसली काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। बट उस टाइम पर ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ था कि ये किसने किया था, एंड पीपल वर टेरिफाइड कि शायद कल्प्रिट अभी भी हमारे बीच ही हैं। इससे हुआ ये कि इंटरनेट पे लोगों ने हर फोटो, हर वीडियो, हर एविडेंस, हर आई विटनेस को लेके पीसेस को जोड़ना शुरू कर दिया। ये सारी इन्फॉर्मेशन और डिस्कशन गैदर हो रहा था एक स्पेशली मेड सबरेडिट पर, फाइंड बॉस्टन बॉम्बर। इस पॉइंट पर हर एक रेडिटर एक डिटेक्टिव बन चुका था, हर कोई अपना सजेशन और क्लूज ड्रॉप कर रहा था। कई सस्पिशियस दिख रहे लोगों को उनके इमेजेस से टारगेट किया जा रहा था, उनके पहनावे से और उनके फेशियल एक्सप्रेशन से कोशिश करी जा रही थी इस मिस्टीरियस बॉम्बर को ढूंढने की, उनके इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करने की कोशिश हो रही थी। ऑल ऑफ दिस बिना किसी एविडेंस के, जस्ट गैस वर्क। बट इससे भी बड़ी प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस इन्फॉर्मेशन को बिना वैलिडेट करे टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया, जो कि क्लियरली काफी डेंजर सिचुएशन थी इनोसेंट लोगों के लिए। इमेजिन करो तुम्हारे कपड़ों से, जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास में एक बैग है, ये बोल दिया जाए कि तुम बॉम्बर हो और पूरा न्यूज पर टेलीकास्ट कर दिया जाए, काफी टेरिफाइंग सिचुएशन होगी। फाइनली एज द रिजल्ट ऑफ दिस पब्लिक इन्वेस्टिगेशन, कुछ ही दिनों में रेडिटर्स ने सुनील त्रिपाठी नाम के एक आदमी को, जो कि मार्च से मिसिंग था, डिक्लेयर कर दिया एज द बॉम्बर। डिक्लेयर, नाउ जस्ट गेस करो आगे क्या हुआ होगा। इन नो टाइम टेलीविजन, न्यूज आउटलेट्स, सोशल मीडिया, हर जगह सुनील त्रिपाठी ट्रेंड होने लगा। बट गेस व्हाट, ये सब कुछ गलत था, क्योंकि 3 दिन बाद पुलिस ने रियल सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया था एंड कुछ ही दिन बाद सुनील की भी बॉडी रिकवर हो गई थी। जैसे ये बात सामने आई, इस सबरेडिट को उसके मॉडरेटर्स ने प्राइवेट कर दिया और रेडिट ने इस सबरेडिट के एक्शंस के लिए माफी भी मांगी। अल्टीमेटली इस सबरेडिट को बैन कर दिया गया, क्योंकि आखिर ये सबरेडिट था ही क्या, नथिंग बट अ होम फॉर डेंजरस स्पेकुलेशंस। फैट पीपल हेट, आई डोंट नो तुम कितना समझ पा रहे हो नाम से, बट फैट पीपल हेट एक सबरेडिट था जहाँ पर लोग पूरी डेडिकेशन के साथ फैट ओवरवेट लोगों की इमेजेस पोस्ट करते थे इंसल्टिंग और फनी टाइटल्स के साथ, और उन्हें रिडिक्यूल किया जाता था कमेंट सेक्शन में। ये एक कम्युनिटी थी ऐसे लोगों की जो कि हेट करते थे ओवरवेट लोगों को, एंड आई थिंक इट्स फाइन टू हैव अ ओपिनियन, बट रेडिटर्स यहाँ पर रुकते नहीं थे और इन इंसल्ट्स को सबरेडिट के बाहर एंड इवन रेडिट के बाहर तक ले जाते थे। कई रेडिटर्स तो दूसरे सबरेडिट, इमेज वेबसाइट, सोशल मीडिया से इमेजेस को पोस्ट करके इस सबरेडिट में पोस्ट करते थे और इन लोगों को हैरेस किया जाता था, नेम कॉलिंग की जाती थी, एंड कई लोग इवन ऑफ रेडिट, रेडिट के बाहर जाकर भी इन लोगों को हैरेस करते थे। रेडिट ने इस चीज को नोटिस किया, फैट पीपल हेट जिसके 150,000 सब्सक्राइबर्स थे उसे बैन कर दिया गया। इस बैन को लेकर लोगों के काफी मिक्स्ड ओपिनियन थे एंड जो सब्सक्राइबर्स थे वो काफी ज्यादा फ्यूरियस थे। एज अ रिजल्ट काफी सारे सिमिलर सबरेडिट प्राइवेट हो गए और फैट पीपल हेट के रेडिटर्स ने डिसाइड करा कि वो मूव हो जाएंगे दूसरे अनरिस्ट्रिक्टिव प्लेटफॉर्म्स पे।
जेल वेट को समझने के लिए लेट मी स्टार्ट विद द डेफिनेशन. अ गर्ल अंडर द एज ऑफ कंसेंट विद होम इज अनलॉफुल एंड कंस्टिट्यूट स्टैट्यूटरी. आई होप तुमको इससे समझ आ ही गया होगा कि जेल वेट एक ऐसा सबर एडिट था जहां पर टीनेज अंडर एज गर्ल्स की इमेजेस पोस्ट की जाती थी. ये इमेजेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाई जाती थी और कई बार तो उनके बिना नॉलेज के रियल लाइफ में क्लिक कर ले जाती थी. एंड ये स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं था इस सबर एडिट पर कि किसी भी एडल्ट की फोटो को पोस्ट किया जाए. इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि ये इमेजेस एक्चुअली में अंडर एज टीनेज गर्ल्स की हो. रेडिट बींग द एडवोकेट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच खुद एक टाइम पे इस तरह की हेट स्पीच इलीगल एक्टिविटीज को अलाउ करता था एंड इवन डिफेंड करता था बाय सेइंग कि ये तो होगा ही जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच दोगे. तो ऐसा इसलिए था क्योंकि जेल वेट एक टाइम पे सेकंड मोस्ट ट्रैफिक भेजने वाला सर्च टर्म था रेडिट पे. जेल वेट को एक टाइम पर सब रेडिट ऑफ द ईयर भी पोल किया गया था बेस्ट ऑफ रेडिट के पोल सेक्शन में. बट जेल वेट को बैन कर दिया गया जब मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसे एड्रेस करते हुए रेडिट को क्रिटिसाइज करा. ओके, इस सब रेडिट को मैं जेल वेट के बाद क्यों डाल रहा हूँ ये तुम नाम से समझ गए होगे. बीटिंग विमेन ये एक सब रेडिट था जहाँ पर लोग वही पोस्ट करते थे जो कि तुम नाम से समझ पा रहे हो. इस सब रेडिट पर विमेन के साथ में वायलेंस होते हुए उन्हें मारते हुए वीडियोस और फोटो पोस्ट किए जाते थे. ये सब रेडिट जेल वेट की तरह किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप की तरफ ओरिएंटेड नहीं था बट इन जनरल बेस्ड था वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पर. 2014 में जब इस सब रेडिट को बैन कर दिया गया तो इसके क्रिएटर ने बीटिंग विमेन 2 नाम से एक सब रेडिट बना के बैन को बाईपास करने की कोशिश करी बट इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसे भी बैन कर दिया गया. पिज्जा गेट एक सबरेट से भी बढ़ गई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी जो कि लेटर ऑन ऑल्दो डिबंक हो गई थी. बट इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग अमेरिका का एक पिज्जा रेस्टोरेंट जिसका नाम था कॉमेट पिंग पोंग उसके थ्रू एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट चल रहा था जिसमें अमेरिका की पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व थे. और इस थ्योरी का ओरिजिन और इसको आग देने का काम दोनों ही सोशल मीडिया ने किया था. एंड हमें पता ही है कि फेक न्यूज एक वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड होती है एंड दैट्स व्हेन इस थ्योरी को डिस्कस करने के लिए पिज्जा गेट नाम का एक सबरेट बनाया गया था. नाउ सब रेडिट को बैन कर दिया गया था इसलिए नहीं कि ये फेक न्यूज थी या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी बट इसलिए कि रेडिटर्स ने इस थ्योरी में इन्वॉल्व सस्पेक्टेड लोगों की पर्सनल डिटेल्स इस सब रेडिट में डालना शुरू कर दिया था जो कि रेडिट की पॉलिसी के अगेंस्ट था एंड इसलिए सब रेडिट को बैन कर दिया गया. नेक्स्ट सब रेडिट है डार्कनेट मार्केट्स. ये समझने के लिए तुम्हें पहले ये समझना पड़ेगा कि डार्कनेट मार्केट्स क्या होते हैं. डार्कनेट मार्केट्स बेसिकली डार्क वेब पे ब्लैक मार्केट्स होते हैं जहाँ पे इलीगल चीजें और सर्विसेज बिकती हैं. फिर चाहे वो ड्रग्स हो, हैकर्स को हायर करना हो, हिटमैन को हायर करना हो, हर चीज. इनके ट्रांजैक्शन के लिए क्रिप्टो करेंसी यूज होती है ताकि बायर और सेलर दोनों सेफ रहे. नाउ क्योंकि रेडिट फ्रीडम ऑफ स्पीच और एनोनिमिटी को इतना एडवोकेट करता है डार्कनेट मार्केट नाम का एक सब रेडिट बन गया रेडिट पे जिसमें कि बायर और सेलर दोनों पार्टिसिपेट करते थे. इससे ये हुआ कि US अथॉरिटी ने इन लोगों की पर्सनल डिटेल्स मांगना शुरू कर दिया रेडिट से जो कि रेडिट की एनोनिमिटी के रूल्स के अगेंस्ट था एंड ताकि उसे इन लोगों की इन्फॉर्मेशन ना देना पड़े इस रेडिट को उसने बैन कर दिया 2018 में. शॉपलिफ्टिंग एक ऐसा सबरेडिट था जहाँ पर लोग स्टोरीज, क्वेश्चन और टिप्स ड्रॉप करते थे शॉपलिफ्टिंग के. नाउ तुम जरूर सोच रहे होगे कि शॉपलिफ्टिंग आखिर होता क्या है. शॉपलिफ्टिंग उसे बोलते हैं जब तुम किसी स्टोर में जाओ और वहां से कोई सामान उठा कर ले आओ, छिपा कर ले आओ अपने साथ बिना उसके पैसे दिए. सो हाँ, बेसिकली चोरी करना. इसमें मोस्ट कॉमन क्लोदिंग आइटम होते हैं बट ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी चीज हो सकती है. ये सबरेडिट भरा हुआ था ऐसी चीजों की फोटोज से जो चीजें लोग शॉपलिफ्ट करके अपने साथ लेके आते थे एंड बेसिकली इन स्टोलन आइटम्स को वहां पे सेल किया जाता था. इस सबरेडिट के ऑलमोस्ट 77,000 सब्सक्राइबर्स थे जब इसे बैन कर दिया गया, या फिर मैं कहूँ कि 77,000 लोग थे जो कि शॉपलिफ्टिंग में इंटरेस्टेड थे. वॉच पीपल डाई वॉज अ सबरेडिट यहाँ पर एग्जैक्टली वही काम होता था जैसा कि नाम सजेस्ट करता है. यू कैन वॉच पीपल डाई. इस सबरेडिट पर लोग वेरियस डिफरेंट वीडियोस पोस्ट करते थे, एक्सीडेंट की, गन वायलेंस की, शूटिंग की, सुसाइड की, एवरीथिंग रिलेटेड टू डेथ. एंड मैं सेंसर्ड ब्लर्ड आउट वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअल रॉ वीडियोस की. लोग इन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में इन इंसिडेंट को डिस्कस करते थे, सिंपैथी दिखाते थे एंड इवन दे यूज्ड टू जोक अबाउट इट टू. तुम इस सबरेडिट के कुछ स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो. 2019 में क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में एक मास शूटिंग इंसिडेंट हुआ था जिसका वीडियो इस सबरेडिट पर काफी ज्यादा फेमस हो रहा था, शेयर हो रहा था, जो कि ऑलमोस्ट वायलेंस को प्रमोट करने जैसा था. वेदर यू बिलीव इट और नॉट, ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे इंसान को मरते
करते हुए देखना पसंद करते हैं। और यही कारण था कि सबरेट को बैन कर दिया गया। ऑल्दो इससे कुछ फायदा होता नहीं कभी बैन वैन से, क्योंकि जो कम्युनिटी के क्रिएटर हैं वो अपनी कम्युनिटी को लेकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं। दैट्स इट।